अगली खबर जांजगीर से मिल रही है, जहां स्वास्थ्य विभाग और नगरपालिका अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है। कोविड हॉस्पिटल में उपयोग की गई मेडिकल सामग्री को खुले में फेंका गया है, जिससे कोरोना संक्रमण का क्षेत्र में खतरा बढ़ गया है। आपको बता दें, गाइडलाइन के अनुसार डिस्पोज करने की भी एक नियमावली तय की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी मेडिकल सामग्री को खुले में फेंक दिया गया है। कोविड हॉस्पिटल का यह मामला है, इसलिए और भी ज्यादा संवेदनशीलता के साथ इसको देखने की जरूरत थी, लेकिन ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। आप देख सकते हैं, पीपीई किट समेत बहुत सारी सामग्री जो कोविड अस्पताल में उपयोग में लाई जा रही थी, उसे खुले में फेंक दिया गया है। ऐसे में अन्य लोगों के संक्रमित होने का इसमें खतरा बढ़ गया है। तो इस वक्त की एक खबर जांजगीर से है, जहां कोविड के मानकों को हाशिए पर डालकर कोविड सेंटर में उपयोग की गई मेडिकल सामग्री को खुले में फेंक दिया गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, कोविड की सामग्री है वैसे ही संक्रमित होती है, गाइडलाइन में भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है कई जगह किस तरह से डिस्पोज करना है, फिर अधिकारियों को यह समझ नहीं आता कि इस अगर सामग्री को खुले में फेंका जाएगा तो और भी लोग इसके संक्रमण की जद में आएंगे। जी जी, बता दूं, ये जांजगीर का नगर पालिका जांजगीर का ये मामला है पूरा, जो कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी की बड़ी लापरवाही और नगर पालिका के थ्रू दोनों की लापरवाही है ये, क्योंकि कोविड जो किट होती है उसको डिस्पोज करना होता है, ये ताकि इन लोग बाहर फेंक दे रहे हैं, उसको खुले में फेंक दे रहे हैं। इसमें आम जनता को, पब्लिक को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, आने जाने वाले लोग को बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रही है, इसकी शिकायत लगातार की जा रही है, फिर भी इसमें ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बता दें कि लगातार इसकी जानकारी हमने नगर पालिका अधिकारी सीएमएचओ कलेक्टर सर को दी है, फिर भी अभी तक देखा जा रहा है कि वहां से उसको हटाया नहीं गया है और लगातार डेरी को वहां डम किया जा रहा है, वहां जो उपयोगी कोविड सेंटर में जो किट उपयोग हो रहा है उसको। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो जांजगीर से निकलती हुई ये भयावह तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं कि किस स्तर पर लापरवाही की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग और नगर पालिका अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है। अगर कोई जनसामान्य या आम जनमानस इस संक्रमण का शिकार होते हैं तो आखिर ऐसे में इसकी जवाबदेही कौन लेगा, बड़ा सवाल।